हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। मैं अमित ओझा, एम हाई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ परसेंटेज से संबंधित। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और साथ में ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे होंगे। तो परसेंटेज के क्वेश्चंस जहाँ हमने कल लास्ट किए थे पिछले वीडियो में, वहीं से हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के सवालों में पहला सवाल ये है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, चुनाव में 20% मत अवैध पाए गए, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% वोट प्राप्त होता है और वह 9600 वोट से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव में कुल वैध मतों की संख्या निकालें। अब जैसा मैंने पहले भी बताया है कि जहां भी इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन आए, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आए, तो वहां पे हमें क्या करना है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वोट्स या कुल मतों की संख्या हम लोग मान लेंगे कितना, 100%। क्वेश्चन में कहता है कि दो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं और चुनाव में 20% मत अवैध पाए गए। इसका मतलब अगर टोटल वोट 100% है तो दो भाग में डिवाइड कर देंगे इसको, एक वैलिड वोट वैध मत, एक इनवैलिड वोट अवैध मत। तो कह रहा 20% वोट अवैध पाए गए, मतलब 100 में से 20% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना होगा, 80%। फिर सवाल कहता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% वोट प्राप्त होता है। अब टोटल वैध मत कितना है, 80%। और कह रहा है कि इसको जो जीता है इलेक्शन में उसको इस वैध मत का 70% मत प्राप्त हुआ। तो वैध मत है 80%, इसका 70% हम लोग निकालेंगे। तो अगर आप 80% का 70%, 70% निकालिएगा तो आएगा कितना, 56%। मतलब ये कि जीतने वाला उम्मीदवार 80% मत में से 56% मत पा गया, तो बचा कितना, 80 में से 56 को माइनस कर देंगे, बचेगा 24%। और ये किसको मिलेगा, ये लूजिंग कैंडिडेट को मिलेगा, जो इलेक्शन हारा है उस कैंडिडेट को 24% मत प्राप्त हुआ, जीतने वाले को 56% प्राप्त हुआ। तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 32%, घटाएंगे 56 में से 24। सवाल में कहता है कि जीतने वाला उम्मीदवार 9600 मत से चुनाव जीता है, इसका मतलब जो अंतर प्रतिशत के रूप में 32 है, वही अंतर एब्सोल्यूट वैल्यू के रूप में 9600 है। मतलब ये कि 32% 9600 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1% बराबर 9600 बटा 32। और सवाल में पूछा गया कि कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि पिछले सवालों में हमने 100% वोट निकाला है, जबकि यहाँ 100% नहीं निकालेंगे, क्योंकि सवाल में पूछा गया वैध मतों की संख्या और वैध मत है 80%। तो यदि 1% बराबर 300, तो 80% बराबर 300 × 80 बराबर 24,000। इसका मतलब है कि चुनाव में पड़े कुल वैध मतों की संख्या 24,000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े होते हैं, मतदाता सूची में शामिल 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 60 मत अवैध पाए गए, जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 47% वोट प्राप्त करता है और 308 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव की कुल मतों की संख्या निकालें। अब देखिए, इस सवाल में थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है जो आपको ध्यान देना है। जैसे हमने माना टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना, 100%, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना, सॉरी थोड़ा सा पेज इधर उधर हो गया था, तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितना, 100%। अब क्वेश्चन कहता है कि 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 100% टोटल वोट है, 10% का वोट
इस्तेमाल ही नहीं हुआ, मतलब 10% लोगों ने अपने वोट को नहीं डाला, तो 100 में से 10 हटा देंगे, बचेगा कितना, 90%। इसका मतलब ये कि 90% लोगों ने वोट डाला। अब सवाल में ये कहता है कि 60 मत अवैध पाए गए, तो यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा टेक्निकल है कि 90% है जो मत डाले गए, और जो इनवैलिड वोट है उसको संख्या में दिखाया जा रहा है, तो हम यहाँ पर फिलहाल इनवैलिड वोट को नहीं माइनस करेंगे, वैलिड इनवैलिड में डिवाइड नहीं करेंगे। सीधा ध्यान देना है कि इनवैलिड वोट जो 60 है वो अभी या फिर सबसे लास्ट में घटा देंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे, यहाँ भी घटा सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ माइनस करने से कैलकुलेशन में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग यहाँ माइनस नहीं करेंगे। तो 90% टोटल वोट डाले गए, उसमें से जो जीता है कैंडिडेट उसको, सवाल फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो कैंडिडेट जीता है, विनिंग कैंडिडेट, उसको सवाल में कहता है कि जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 47% वोट प्राप्त करता है। इसका मतलब ये कि 100 का 47% जीतने वाला उम्मीदवार प्राप्त करता है, मतलब जीतने वाले उम्मीदवार को 47% वोट मिला, तो जो हारेगा उसको कितना मिलेगा, टोटल वोट पड़ा है 90%, इसमें से 47% जीतने वाले को मिला, हारने वाले को 90% में से 47% माइनस कर देंगे तो आएगा कितना, 43%। अब दोनों के बीच का अंतर कितना, 4%। अब कह रहा है कि वो 308 मत से चुनाव जीत गया, अभी हम ध्यान देना है कि जो 308 मत से चुनाव जीता है, इस 308 मत में जो इनवैलिड वोट है उसको माइनस कर देंगे, तो 308 में से 60 माइनस कर देंगे, बचा कितना, 248, तो 1% बराबर 248/4 हो जाएगा 62। तो चूंकि सवाल में पूछा गया कुल मतों की संख्या, तो कुल मत है 100%, तो 100% बराबर 62 गुना 100 कितना हो जाएगा, 6200, मतलब इस इलेक्शन में डाले गए कुल मतों की संख्या है 6200। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये अलग टाइप का सवाल है, जैसे जैसे टाइप बदलते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इस टाइप में एक सवाल है, कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए ऐसे सवाल में आपको एक चीज ध्यान देना है, सिर्फ इस सवाल के लिए नहीं, किसी भी सवाल के लिए, इसमें कह रहे दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। अब ये तो क्लियर है कि यहाँ तीन संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या से तुलना किया गया है उसी को मानेंगे, और मैंने पहली क्लास से बताया है आपको कि अगर परसेंटेज में अगर आपको कुछ मानना है तो उसको क्या मानेंगे, 100, तो हमने मान लिया कि थर्ड नंबर कितना हो गया, 100। अब कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, मतलब यदि तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 120 हो जाएगी, दूसरी संख्या 150, क्योंकि पहली संख्या 100 से 20% ज्यादा है, 100 का 20% 20 होता है, तो 120, दूसरी संख्या 150। अब सवाल है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये ध्यान देना है आपको यहाँ पे, इसमें लैंग्वेज घुमाता रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर लैंग्वेज होता है। यहाँ पूछा गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये भी पूछा जा सकता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज पे ध्यान देना है और उसके हिसाब से सॉल्व करना है। सवाल पूछा गया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहले ही वीडियो में मैंने बताया था कि जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको लिखेंगे ऊपर, जिससे तुलना करके पूछा जाएगा उसको लिखेंगे नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में, हर में, और चूंकि प्रतिशत में पूछा गया तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 120/150 × 100, सॉल्व कर दीजिए इसको, सॉल्व करने के बाद आएगा 80%। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। सेम क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, तीसरी संख्या को मान लेंगे 100, तो कह रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या से 26% अधिक है, तो पहली संख्या हो जाएगी 126, दूसरी संख्या 5% अधिक है, तो दूसरी संख्या 105। अब सवाल कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पूछा गया पहली संख्या के बारे में, मतलब 126 बटे दूसरी संख्या से तुलना किया गया 105 × 100, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 120%, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है,
तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? आ गया सवाल जो अभी मैंने पीछे चर्चा किया कि ये भी पूछा जा सकता है कि दो संख्याओं में तुलना करके कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो फिर यहाँ तीसरी संख्या को मान लिया 100, कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः 30% और 37% कम है। तो अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 70 इससे 30% कम और दूसरी संख्या 63 इससे 37% कम, क्योंकि 100 में से 37 माइनस करेंगे तो 63 आएगा, दैट इज 63। अब सवाल कहता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो आपको देखना है कि दूसरी संख्या कितना कम है, 7 कम है। अब जितना कम है ये पूछा गया कि पहली संख्या से, तो मैंने पहले ही बताया कि जिसके बारे में पूछा गया वो ऊपर, जिससे तुलना किया जाएगा उसको नीचे और गुना 100। तो 7 कम था, पहली संख्या से तुलना करके पूछा जा रहा है, तो डिवाइडेड बाय 70 × 100 सॉल्व करेंगे आप तो आएगा कितना, 10%, दैट इज योर आंसर। चलिए अगले टाइप के एक सवाल को देखते हैं। इस टाइप में पूछा गया है कि व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च कर दे। यदि आय को 15% बढ़ा दिया जाए और खर्च को भी 5% बढ़ा दिया जाए तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए मित्रों, इसमें ऐसे सवालों में कोई फॉर्मूला या कोई ट्रिक नहीं होता है, बस आप जनरल कंसेप्ट है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि आप 100 रुपया कमा लेते हैं और आपने 20 रुपये बचा लिया तो खर्च कितना किया, 80। या फिर यूं कहा जाए कि आप 100 रुपये कमाते हैं, 80 रुपये खर्च कर देते हैं तो बचा कितना, 20 रुपया। तो अब इसी के आधार पर इसका मतलब ये है कि आय माइनस खर्च बराबर बचत, या फिर अगर आपसे बचत को दे के खर्च पूछा जाए तो आय माइनस बचत बराबर खर्च, आय माइनस बचत बराबर खर्च, ये डिपेंड करता है कि सवाल में पूछा क्या गया है। तो यहाँ पूछा गया बचत के बारे में और सवाल में कहीं भी आपका इनकम नहीं दिया गया है, व्यक्ति का इनकम नहीं दिया गया है, सिर्फ बताया गया व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च करता है। तो मैंने पहले ही बताया कि क्या करेंगे इसके लिए, व्यक्ति के आय को मान लेंगे। तो व्यक्ति का आय मान लिया 100 रुपया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 60% खर्च कर दिया तो 100 का 60 कितना होगा, 100 का 60% 60 होगा, तो खर्च हो गया 60। कमाया 100 रुपया, खर्च किया 60 रुपया, बचा कितना, 40 रुपया, 100 में से 60 माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन कहता है कि यदि आय को 15% बढ़ा दिया जाए, तो हमने बढ़ा दिया, आय पहले 100 रुपया था अब 15 रुपया बढ़ जाएगा तो 115 हो गया। फिर कहता है कि खर्च को भी 5% बढ़ा दिया जाए, तो पहले खर्च कितना था, 60। यहाँ ये ध्यान देना है कि खर्च को 5% बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप 5% बढ़ा देंगे, इसका मतलब 100 का 5% नहीं बनाना है, 60 का 5% बढ़ाया गया, जितना खर्च होता था उसका 5% बढ़ाया गया, तो 60 का 5% कितना होगा, 3। 3। अब 60 रुपया पहले खर्च होता था, 3 रुपया बढ़ गया तो अब खर्च कितना हो गया, 63। तो बचत कितना हुआ, पहले 115 रुपया बचता था अब 63 रुपया बचा, घटा देंगे तो बचेगा कितना, 52 रुपया। सवाल में पूछा गया कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले बचता था 40 रुपया अब बचा 52 रुपया, दैट इज 52 रुपीज। तो बढ़ गया ना, कितना बढ़ा, 12 रुपया। 12 रुपया इसका एब्सोल्यूट वैल्यू के रूप में बच गया। अब प्रतिशत में पूछ रहा है तो पहले 40 था तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 12 रुपया बढ़ा, जितना था उससे तुलना करेंगे तो 12/40 × 100 सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करने के बाद आएगा आंसर 30%, मतलब अब उसके बचत में 30% की वृद्धि हो गई। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 50% भाग खर्च करता है। यदि आय को 30% बढ़ाया जाए और खर्च को भी 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? चलिए देखते हैं। जैसे पिछले सवाल में देखा कि आय माइनस खर्च बराबर बचत,
आय दिया हुआ है नहीं क्वेश्चन में, तो आय हम मान लेंगे। कितना माना? आय 100 रुपया। कह रहा है कि आय का 50% खर्च हो गया, तो 100 में से 50 खर्च हो गया, बचा कितना? 50 रुपया। अब क्वेश्चन कहता है कि आय को 30% बढ़ा दिया गया, तो पहले आय था 100 रुपया, अब 30% बढ़ जाएगा तो कितना होगा? 130 रुपया। और खर्च को भी 20% बढ़ाया गया, तो पहले खर्च था 50 रुपया, इसको 20% बढ़ाएंगे तो 10 रुपये, 50 का 20% निकालिएगा आप तो कितना आएगा? 10 रुपया। तो अब खर्च हो गया 60 रुपया। आय है 130, खर्च है 60, बचेगा कितना? घटा देंगे, आएगा 70। अब पूछा गया कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितना बढ़ा बचत? 20 रुपया बढ़ गया। तो प्रतिशत वृद्धि 20/50 × 100। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने के बाद आएगा 40%। तो इस बार बचत में 40% की वृद्धि हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप का। इसमें कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 49 kg चीनी खरीदता था और उतनी ही राशि में अब कितना किलो चीनी खरीदेगा? तो अब एक चीज़ ध्यान देना है इसमें कि इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। एक सवाल पहले था जिसमें मैंने बताया था आपको कि जहाँ कहीं भी खर्च, मूल्य और खपत से क्वेश्चन आए, वहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? मूल्य गुना खपत बराबर खर्च। ये पहले भी हम लोग बहुत ही बारीकी से चर्चा कर चुके हैं इस पर। तो ये हम लोगों को पता है कि मूल्य गुना खपत बराबर खर्च। सवाल कहता है कि चीनी के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है, मूल्य दिया हुआ है नहीं, तो मूल्य मान लेंगे कितना? 100 रुपया। पहले भी किया हमने, मैंने बताया कि जहाँ कहीं भी नहीं दिया है वैल्यू तो आपको मान लेना है। क्या मानेंगे? 100। तो चीनी का मूल्य मान लिया 100 रुपया। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति पहले 49 kg चीनी खरीदता था। इसका मतलब क्या है? 49 क्या है उसका? 49 है उसका खपत। मतलब ये कि खपत दिया हुआ है, 100 रुपया मूल्य है, खपत 49 है, तो खपत लिख दिया 49। तो खर्च कितना होगा? मूल्य गुना खपत, 100 × 49, दैट इज 4900। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 49 किलो चीनी खरीदता था, उतनी ही राशि में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उतनी ही राशि में अब कितना किलो चीनी खरीदेगा? कितनी राशि में? 4900 रुपये, 4900 वाली राशि। कह रहा है मूल्य में 2% की कमी हो गई, तो पहले मूल्य था 100 रुपया प्रति किलो, 2% घटने का मतलब 2 रुपया घट गया, कितना हो जाएगा? 98 रुपीज। खर्च उतनी ही राशि में, जितना पहले खर्च करता था उतना ही अभी भी खर्च करना है, मतलब अब खर्च कितना हो गया? 4900। तो 98 रुपया उसका मूल्य हो गया है, 4900 रुपये उसको खर्च करना है। तो कह रहा है कि कितना किलो चीनी खरीदेगा, मतलब खपत पूछा जा रहा है। तो 98 × खपत = 4900, तो खपत कितना हो जाएगा? 4900/98। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आएगा कितना? 50 किलो। मतलब ये कि जितनी राशि में वो 49 किलो चीनी खरीदता था, मूल्य घटने के बाद अब 50 किलो खरीदेगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चावल का मूल्य 20% घट जाता है। एक आदमी पहले 160 किलो चावल खरीदता था, तो उतनी ही राशि में कितना किलो चावल खरीदेगा? तो अभी हम लोगों ने देखा इसमें कि मूल्य गुना खपत बराबर खर्च। अब मैंने कहा कि अगर मूल्य नहीं दिया है तो मूल्य मानेंगे, क्या मानेंगे? 100। क्वेश्चन कहता है कि 160 किलो चीनी खरीदता है, इसका मतलब 160 क्या हो गया? खपत हो गया। तो खपत में लिखेंगे क्या? 160। तो खर्च कितना हो जाएगा? मूल्य गुना खपत, 160 × 100, 16000 हो गया खर्च। अब फिर सवाल कहता है कि चावल का मूल्य 20% घट गया, तो पहले था 100 रुपया प्रति किलो, 20% घटेगा तो कितना हो जाएगा? 80 रुपया प्रति किलो, क्योंकि 100 का 20% 20 हो जाएगा। फिर कहता है कि तो उतनी ही राशि में कितना किलो चावल खरीदेगा? तो अभी पीछे देखा हम लोगों ने, उतनी राशि का मतलब जितनी राशि वो पहले खर्च करता था, तो पहले उसने 16000 रुपया खर्च किया है, तो अभी भी 16000 खर्च करेगा। तो अब रेट हो गया 80 रुपया प्रति किलो, 16000 उसने खर्च करना है,
तो कह रहा है कितना चावल खरीदेगा, मतलब खपत पूछा जा रहा है कि चावल का खपत कितना होगा। तो चावल का खपत बराबर 16,000 बटा 80, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 0 कटा 8 से कटेगा 16, 2 बार में 2 0 मतलब 200 किलो। इसका मतलब ये है कि 16,000 रुपये में जितना वो चावल खरीदता था, मूल्य घटने के बाद उतने रुपए में वो 200 किलो चावल खरीदेगा। इसका मतलब ये कि 20% रेट अगर घट जाएगा तो पहले जितनी राशि खर्च करता था उस राशि में अब उसको 200 किलो चावल मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे प्रतिशत के कुछ नए सवालों के साथ। और एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल पाए और मुझे भी थोड़ा उत्साह मिले, ताकि मैं निरंतर आपकी सेवा में लगा रहूं और प्रयास करूं आपको अच्छा से अच्छा देने का। तब अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।